तो ये है हमारे पास इतने सारे मीशो के कुर्ता सेट। सारे कुर्ता सेट बहुत अच्छे हैं, बहुत ट्रेंडी हैं, जैसे कि दिख रहे थे पिक्चर में, मैंने ऑर्डर किए थे। अब देखते हैं कि रिसीव कैसे हुए हैं, क्या जैसे पिक्चर में आए थे वैसे रिसीव हुए हैं कि नहीं हुए, क्या कुछ और ही पिक्चर में दिख रहा था कि कुछ और ही आया, क्योंकि इस बार मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेंडी जो कुर्ता सेट है वो ऑर्डर किए हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा वायरल हैं और जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है वो वाले। तो चलो एक एक करके खोल के देखते हैं कि क्या कैसे आए हैं, कितना प्राइस है, और ट्राई करके भी देखेंगे। देखो पहला जो कुर्ता सेट है वो ये है, पिक्चर में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, और देखते हैं कि क्या वैसा आया है कि नहीं आया, क्योंकि मुझे बहुत पहले से ये वाला कुर्ता सेट चाहिए था। ये देखो ये है इसका कलर, और इसमें बहुत सारे और भी कलर अवेलेबल है, हमें जौन सा चाहिए वो ले सकते हैं। कुर्ता सेट में ना कुर्ता, दुपट्टा, पैंट तीनों चीज़ें हैं। तो ये देखो ये इसका पिक्चर जैसे दिख रहा था वैसे ही हमें रिसीव हुआ है। ये वाला कलर मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ये देखो बिल्कुल वैसा ही आया है, ये देखो बिल्कुल वैसा ही आया है। इसके नेक की डिज़ाइन बहुत अच्छी है, साथ में मिरर भी इसमें लग रखे हैं, और ये भी डिज़ाइन एकदम अलग लग रही है। क्वालिटी कपड़े की कॉटन है, फ्रंट में इसमें पूरा भरा हुआ है नीचे तक, और जो लेस है ना बारीक वाली लेस वो पूरी नीचे तक लगी हुई है, जो कि बहुत अच्छी लग रही है। और इसमें ना सबसे नीचे इस तरीके की एक लेस में डिज़ाइन दे रखी है लटकन टाइप की, जो कि कॉटन की लेस है और बहुत अच्छी लग रही है। और ये कुर्ते की लंबाई भी काफ़ी अच्छी है, और मैंने जो साइज़ मंगाया है वो मीडियम था, और क्योंकि इसमें मीडियम से ही स्टार्ट हुआ हो रहा था तो इसलिए मैंने मीडियम मंगाया है। स्लीव्स कुछ इतनी है, स्लीव्स के एंड में भी लेस लगी हुई है, बैक में कुछ ऐसा है, साथ में यहाँ बांधने के लिए ये दो डोरियाँ भी दे रखी है, तो ये अच्छा है, मतलब मुझे कॉटन का भी है और देखने में भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। साथ में इसमें पैंट दे रखा है, और देखो पैंट भी बहुत अच्छा है, पैंट की लंबाई भी बहुत अच्छी है इतनी है, और चौड़ाई भी काफ़ी अच्छी है, और पैंट में भी नीचे की तरफ लेस लगा रखी है, और ये लेस भी लगा रखी है जो कॉटन वाली लेस थी, तो ये भी अच्छा है। और ना इसकी इलास्टिक भी बहुत कंफर्टेबल लग रही है, जो पतली होती है ना चुभती नहीं है उस टाइप की इलास्टिक, और काफ़ी स्ट्रेचेबल भी है। हाथ में दुपट्टा दे रखा है, बहुत प्यारे से कलर का दुपट्टा है, ये देखो दो शेड में है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे इसका दुपट्टा, ये देखो दो शेड में है, और पता नहीं इसका शायद कलर निकल सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी पैच हैं कुछ कलर के, ये जो पिंक कलर है ना, क्योंकि ये पूरे वाइट में होते हैं तो इसको इनको बाद में कलर किया जाता है, तो इसका कलर यहाँ पे थोड़ा सा लग गया है। दूसरा इसकी लेस थोड़ी सी बिना सिली आई हुई है, मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगी फट गई, यहाँ पे सिलाई ही नहीं लग पाई, तो इसमें एक ये है तो वो हमें अलग से लगवानी पड़ेगी। बाकी पूरा कुर्ता सेट बहुत अच्छा लग रहा है, इसका प्राइस भी देख लेते हैं। इसका प्राइस है, बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ 575 रुपीज़, और उसके हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पहनकर भी देख लेते हैं कि पहनने के बाद और कितना अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसा आया है इस वाले सूट का लुक, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, मतलब मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये देखो फ्रंट में कितनी ज़्यादा अच्छी डिज़ाइन आई है, और इसकी चुन्नी भी बहुत प्यारी लग रही है, चुन्नी अभी देखेंगे, पहले सूट देखो, फिटिंग वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी आई है। और ये लेस है ना, इसमें बहुत सारी लेस लगी हुई है इस वाले सूट में, और कंफर्टेबल भी बहुत ज़्यादा है, मतलब इसका कपड़ा अच्छा है तो कंफर्टेबल तो है ही। मुझे पैंट की लंबाई थोड़ी ज़्यादा आई है, 5-2 के हिसाब से, हो सकता है कई लोगों को सही आ जाए, लेकिन जिनकी मेरी जितनी हाइट है तो उसको इसको कट कराना पड़ेगा कैसे भी, तो मैंने इसको यहाँ पे मोड़ के पहना है, तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग लग रही है, मतलब यहाँ पे ना अजीब सा फिट जो होता है ना वो नहीं लग रहा, क्योंकि पजामा यहाँ पे पड़ा हुआ है इस वजह से। बाकी मुझे सूट बहुत ज़्यादा पसंद आया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। ये इसका फ्रंट लुक है, ये इसका बैक लुक है, ठीक है। साथ में ये चुन्नी है, चुन्नी की डिज़ाइन भी देख कितनी प्यारी लग रही है, बस इस चुन्नी का ना दो कलर है ना, तो चुन्नी का कलर थोड़ा सा यहाँ पे लग गया, वो मैंने पहले बताया था। बाकी लंबाई वगैरह काफ़ी अच्छी है, डालने के बाद कुछ ऐसी लग रही है, वो हमारे ऊपर हमें कैसी डालनी है, बाकी अच्छी लग रही है, कंफर्टेबल मेरे हिसाब से परफेक्ट, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट कौन सा है हमारा। देखो नेक्स्ट है पार्सल, काफ़ी हैवी लग रहा है, देखती हूँ मैं ये कौन सा वाला है। इसकी पिक्चर देखो कुछ ऐसी लग रही है, और ये मीशो में ना एक गोल्ड सेक्शन होता है, गोल्ड सेक्शन से हम कपड़े लेते हैं वो कभी ख़राब नहीं आते, और जैसे पिक्चर में दिख रहे होते हैं वैसे ही आते हैं, तो ये वाला सेट गोल्ड सेक्शन से ही है और बहुत अच्छा पिक्चर में दिख रहा था। इसको मैंने देखो कितने ख़राब तरीके से फाड़ा है, ठीक है। हाँ तो देखो कितना प्यारा कलर लग रहा है, जैसे पिक्चर में लग रहा था बिल्कुल कलर वैसा ही है। तो हम इसमें दुपट्टा,
ये दुपट्टा पैंट और कुर्ता तीनों ही हैं। तो पहले हम कुर्ता देखते हैं। ये है इसका कुर्ता और पूरा प्रिंटेड है कुर्ता, देखो वाइट कलर से प्रिंट हो रखा है कुर्ते में। और इसका नेक है उसमें थोड़ा सा अलग प्रिंट है, थोड़ा सा देखो कितना प्यारा लग रहा है। और बाकी पूरे कुर्ते में इस तरीके से प्रिंट हो रखा है और नीचे की तरफ इतना इसमें घेरा और नीचे की तरफ इस तरीके का प्रिंट हो रखा है। और ये वाइट है और लग भी नहीं रहा कि ये प्रिंट निकलेगा, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का प्रिंट है इसमें। और नीचे का ये जो अलग से प्रिंट है ना, ये अलग से कपड़ा अटैच्ड है इसमें, ये एक ही कपड़ा नहीं है, ये इसका पूरा ये है फ्रंट का। और बैक में भी इसमें, बैक में ऐसा नहीं है कि प्लेन हो, बैक में भी इसमें प्रिंट हो रखा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है बैक में भी प्रिंट। अगर प्लेन होता तो उतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि फ्रंट में इतना सारा भरा हुआ और बैक में एकदम खाली। और स्लीव्स इतनी है इसकी और स्लीव्स भी प्रिंटेड है। इसका कपड़ा कॉटन है और मैंने जो साइज़ मंगाया है स्मॉल है, क्योंकि इसमें स्मॉल साइज़ भी अवेलेबल है। तो देखते हैं कैसा क्या फिटिंग आएगी। और साथ में इसमें पैंट है, पैंट ही है। और इसकी इलास्टिक, पैंट की जो इलास्टिक है ना, इलास्टिक की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, सॉफ्ट है, इलास्टिक नहीं चुभेगी हमें। और पैंट का कपड़ा भी कॉटन है, जो कुर्ते का कपड़ा था ये इस तरीके का, और पैंट में इस जैसे कुर्ते में था ना प्रिंटेड, वैसे नीचे की तरफ पैंट में भी हो रखा है, ये अलग से अटैच किया हुआ कपड़ा है इसमें भी, तो ये सेम प्रिंट है। ठीक है, क्वालिटी मुझे इसकी भी अच्छी लगी। साथ में सबसे इसका सबसे जो अच्छा है वो है इसका दुपट्टा। ये देखो, ये भी प्योर कॉटन का, जो पतला वाला कॉटन होता है ना वो वाला है। और दुपट्टे पे ना गोल्डन प्लस वाइट कलर का प्रिंट हो रखा है। ये देखो दुपट्टा काफ़ी बड़ा है, ये पूरा और पूरा प्रिंटेड है। ये इतना तो इसकी लंबाई है और देखो ये इतनी कुछ इसकी चौड़ाई है। और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, बैक से कुछ ऐसा दिख रहा है और फ्रंट से कुछ ऐसा दिख रहा है। इसकी क्वालिटी भी मुझे अच्छी लगी और साइज़ वगैरह तो अच्छा है ही। और इस कुर्ते का प्राइस है 628 रुपये, तो 628 रुपये के हिसाब से अच्छा है। और पहनकर और देख लेते हैं कि पहनने के बाद कैसा लगेगा। तो कुछ ऐसा आया इस वाले कुर्ता सेट का लुक, मतलब अनबिलीवेबल है। ये ऐसे मैं देख रही थी ना तब इतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने जब इसको पहन के देखा तो वाओ, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। फिटिंग वगैरह भी बहुत अच्छी आई है। और देखो ये है पूरा इसका लुक, मतलब फेस्टिवल अप्रोप्रिएट है, कभी भी पहन सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगा, नेक वगैरह की डिज़ाइन भी बहुत अच्छी है, लटकन दे रखे है, काफी अच्छी क्वालिटी की है और प्योर कॉटन है। ठीक है, और ये ना इसमें जो प्रिंट हो रखा है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रंट में ही है, बैक में भी इसका प्रिंट हो रखा है। दुपट्टा प्योर कॉटन का दुपट्टा है, इसकी चौड़ाई देखो बहुत ज्यादा है और लंबाई भी काफी अच्छी है। तो मतलब दुपट्टा भी मुझे बहुत अच्छा लगा और प्योर कॉटन का है तो चुभ भी नहीं रहा कहीं से, बहुत सही लगा। और ये पूरे सूट का लुक है, बैक देखो इसका, पूरा बैक में भी ये सूट भरा हुआ है। सबसे ये वाला सूट परफेक्ट है प्राइस के हिसाब से, सब चीज़ को देखा जाए अगर आपको लेना है तो बेझिझक ले सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। अभी मुझ में और ज़्यादा एनर्जी आ गई है, मैंने सोचा है कि मैं अभी चाय छोड़ूंगी, तो मैंने सुबह से अभी तक चाय नहीं पी थी, लेकिन अब जाके मैं थोड़ा सा लो फील करने लगी थी, अब मेरे कुछ करने का मन नहीं हो रहा था, तो मुझे बीच में चाय पीनी ही पड़ी, तब जाके मुझे में और एनर्जी आई। तो अब और एनर्जी के साथ अगला कुर्ता सेट देखते हैं कि कैसा आया है। ठीक है, तो ये है हमारा वो कुर्ता सेट, पिक्चर में कुछ ऐसा लग रहा था, बहुत अच्छा येल्लो कलर है, आया जी बिल्कुल वैसा ही है पिक्चर जैसा। और इसमें भी तीन के सेट है, कुर्ता पैंट दुपट्टा। ये देखो ये है कुर्ता, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, एम्ब्रॉयडरी हो रखी है पूरी वाइट कलर में। और बताऊँ ना एम्ब्रॉयडरी की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। देखो लुक वाइज तो अच्छा लग रहा है, पहनने में देखेंगे कि पहनने के बाद कैसा लगेगा, क्योंकि लुक वाइज ये अच्छा लग रहा है क्योंकि इसका कपड़ा क्वालिटी बहुत अच्छी है। साथ में इसमें जो एम्ब्रॉयडरी हो रखी है वो बहुत प्रीमियम क्वालिटी की एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, प्रिंट नहीं है, ये पूरी एम्ब्रॉयडरी है, इसीलिए अच्छा लग रहा है। लेकिन ना इस कुर्ते की ना मुझे हाइट बहुत कम लग रही है, ये देखो सिर्फ इतना ही है। ये है इसका फ्रंट एम्ब्रॉयडरी क्वालिटी, बिल्कुल कॉटन की एम्ब्रॉयडरी है, कुर्ता भी कॉटन का है, फ्रंट में ही है पूरी एम्ब्रॉयडरी, साथ में थोड़ा सा नेक में भी है, लेकिन बैक एकदम प्लेन है, बैक में कोई भी एम्ब्रॉयडरी नहीं है। साथ में इसमें पैंट दे रखा है वाइट कलर का, एकदम प्योर कॉटन लग रहा है, जो कि कड़क वाला कॉटन होता है ना वो वाला लग रहा है। लेकिन 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 इसकी इलास्टिक काफ़ी ज़्यादा कड़क है, मतलब ये छूने से ही पता चल रहा है कि इलास्टिक हमें चुभने वाली है।
इसकी यहाँ से चौड़ाई तो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, बट नीचे देखो इस तरीके से पतला है, तो हो सकता है ये पहनने के बाद फंसे। बाकी ये है प्योर कॉटन, नीचे इस तरीके से वाइट लगा हुआ है, साथ में दुपट्टा है, दुपट्टा की क्वालिटी अच्छी है, सीफोन का दुपट्टा है ये देखो, साथ में येलो कलर की लेस लगी हुई है और यहाँ भी थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी रखी है। दुपट्टे की लंबाई चौड़ाई बहुत अच्छी है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ठीक है, इसका प्राइस देखते हैं कि प्राइस कितने का है। इसका प्राइस है 584 रुपीज़। और अभी मैंने देखा ना, पिक्चर से ये थोड़ा सा अलग है। पिक्चर में ना जो इसकी एम्ब्रॉयडरी थी ना, वो पूरी, ये है ना, ये स्लीव्स है, मैं स्लीव्स पकड़ी हुई हूँ, वो पूरी यहाँ से लेके यहाँ थी, लेकिन इन्होंने ना सिर्फ नीचे नीचे दे रखी। तो पहन कर देख लेते कि पहनने के बाद कैसा लग रहा है। ये वाली कुर्ती सेट की लंबाई ना बहुत कम आई है और इसका जो पैंट है ना वो भी मुझे थोड़ा सा टाइट लग रहा है। थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा ही टाइट है, मतलब कंफर्टेबल नहीं है। अगर मैं इसको पहनने के बाद बैठी तो ये पक्का फट जाएगा। बाकी कुर्ती तो ठीक लग रही है, लेकिन मुझे इसका पैंट और इसकी लंबाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, और ना जैसे पिक्चर में दिख रही थी एग्जैक्ट वैसी भी नहीं आई है, तो मैं इस कुर्ती को रिकमेंड नहीं करूँगी। बाकी दुपट्टा तो इसका अच्छा है, लंबा है, चौड़ा है और जैसा पिक्चर में दिख रहा था वैसा है, और सूट उतना ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं है, क्योंकि ना जो पैंट है ना उसकी इलास्टिक बहुत हार्ड है तो वो चुभ रही है, बैक से कुछ ऐसा दिख रहा है, और फ्रंट का लुक ये है, तो मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद नहीं आया, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इसको लो। अब देख लेते हैं हमारा अगला कुर्ता सेट। बहुत ज़्यादा मतलब हैवी है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी होगा। पिक्चर में देखो कुछ ऐसा लग रहा था, पिक्चर में भी कितना प्यारा लग रहा है कलर वगैरह, और पता है इसमें बहुत सारे कलर अवेलेबल हैं, हमें जो भी कलर पसंद हो वो हम ले सकते हैं। बाकी क्वालिटी पिक्चर में तो काफ़ी अच्छी लग रही थी, अब देखते आए कैसी है। इसमें ना पैंट नहीं है क्योंकि पूरा फ्रॉक पैटर्न में है, इसमें सिर्फ दुपट्टा दे रखा है साथ में। तो ये देखो, ये है इसका कुर्ता जो कि काफ़ी हैवी है, क्योंकि देखते हैं क्यों हैवी है ये। देखो ये इसका पैटर्न है, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, बिल्कुल प्योर कॉटन। इसका थोड़ा सा नेक का डिफरेंट पैटर्न है, साथ में इसमें गोल्डन और वाइट कलर का प्रिंट हो रखा है, और प्रिंट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है जो कि कभी नहीं निकलने वाला। और इसके स्लीव्स भी थोड़ी सी यूनिक पैटर्न में है, ये देखो कुछ ऐसी है, ऊपर से वी शेप में आएगी इसकी स्लीव्स, पहनते हैं तब देखेंगे। बाकी इसमें जो हैवीनेस थी ना वो है इसके घेर के कारण, ये देखो कितना सारा इसमें घेर है, बहुत ज़्यादा है। लेस लगी हुई है नीचे, तो ये लेस की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और ये जैसे कि इसमें प्रिंट हो रखा है ना, तो इसमें फ्रंट में भी प्रिंट है और इसमें बैक में भी प्रिंट है, और काफ़ी हैवी है। इसमें लाइनिंग नहीं लगी हुई क्योंकि ऑलरेडी कपड़ा मोटा है, तो ज़रूरत नहीं है लाइनिंग की। और मैंने जो साइज़ ऑर्डर किया वो मीडियम है, क्योंकि मीडियम से ही अवेलेबल थे बाकी। और इसमें जैसे अगर थोड़ा सा हमें लूज़ होता है ना, तो बांधने के लिए ये स्ट्रिप्स भी दे रखी हैं हमें एडजस्ट करने के लिए। साथ में इसमें ना दुपट्टा दे रखा है जो कि कलर सेम है, और इसकी एम्ब्रॉयडरी नहीं, इसका प्रिंट भी वाइट एंड गोल्डन है, लेकिन ये दुपट्टा सिर्फ इतना ही है, इसका दुपट्टा ज़रूर छोटा है। तो इसका दुपट्टा अगर हमें लेना है, तो इस अगर दुपट्टे का यूज़ करना है तो सिर्फ हमें इस तरीके से डालने के लिए हो सकता है, बाकी अगर हमें फैला के डालना है, सिर पर डालना है, तो मुश्किल ही है क्योंकि बहुत छोटा है इसका दुपट्टा ये है, और ये बैक है इसका। ठीक है, तो इसको पहन कर देखते हैं कि पहनने के बाद कैसा लगेगा। हो सकता है पहनने के बाद अच्छा लगे, और उसका प्राइस भी देख लेते हैं एक बार। प्राइस है 643 रुपीज़। देखिए अगर बेस्ट पार्ट है तो इसका घेर ही है, देखो वैसे तो पहले मैंने बता ही दिया, लेकिन पहनने के बाद भी बहुत ज़्यादा इसका घेर लग रहा है, बहुत कंफर्टेबल है, बट मुझे थोड़ी सी लूज आई है, तो इसलिए उसका लुक उतना अच्छा नहीं आया है। बाकी देखने में बहुत अच्छी लग रही, फिटिंग की होती तो परफेक्ट कुर्ती है ये, क्वालिटी वगैरह सब कुछ अच्छी है, ये वाली डिज़ाइन भी बहुत अच्छी लग रही है, और इतना सारा इसमें घेर है मैं क्या ही बताऊँ। अगर किसी को ऐसे घेर वाली पसंद, अरे इसमें बांधने के लिए ये दे रखी है, अगर मैं इसको पीछे बांधूंगी तो ये मुझे फिट हो जाएगी, मैंने इसको ये और ज़्यादा अच्छी लग रही है फिट होने के बाद, तो अब ये हो गई परफेक्ट कुर्ती। घेर वगैरह, क्वालिटी वगैरह, कपड़ा, कलर, सब कुछ जैसे पिक्चर में दिख रहा था वैसे आया है। स्लीव्स देखो, जो यूनिक पैटर्न था स्लीव्स का कुछ ऐसा आया है, कुछ इस तरीके की आई, काफी अच्छी लग रही है। देखो इसका घेर बहुत
बहुत सारा ढेर है, इसलिए ये वाली कुर्ती मुझे परफेक्ट लगी। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी है, अगर आपको लेना है तो ले सकते। अब देख लेते हमारा अगला कुर्ता सेट। पिक्चर में कुछ ऐसा लग रहा था, कलर मरून है। ये जो फंक्शन वगैरह होते हैं ये वाले कलर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब देखो पिक्चर में तो तीनों सेट हैं, अब देखो क्वालिटी इसकी कैसी आई है देखते हैं। प्योर कॉटन है ये, कड़क वाला ये इसका कुर्ता है। अच्छा लग रहा है, कुर्ते की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये इस तरीके का है, ये देखो प्लेन है, सिर्फ नेक में ही इसकी डिज़ाइन है, बाकी पूरा कुर्ता प्लेन है और स्लीव्स में इतना है। गोल्डन कलर का वर्क हो रखा है, वर्क है प्रिंट है गोल्डन कलर का, जो कि नहीं निकलेगा लग रहा है देखने के बाद। और पूरा कुर्ता बिल्कुल प्लेन है, अच्छा है। इसका कपड़ा काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल प्योर कॉटन जो होता है, बैक में कुछ ऐसा है और पूरा प्लेन है। साथ में इसमें पैंट दे रखा है, पैंट की लंबाई चौड़ाई इलास्टिक सब कुछ अच्छी है, पैंट अच्छा है इसका। और साथ में यहाँ पे पैंट के नीचे थोड़ा सा डिज़ाइन दे रखा है प्रिंट वाला। और बाकी पॉकेट वगैरह देखूँ तो पॉकेट वगैरह इसमें कुछ भी नहीं है। और साथ में इसमें एक दुपट्टा है, और दुपट्टे का कपड़ा एकदम ही अलग। अस्तर में जो कपड़ा यूज़ किया जाता है ये वो वाले कपड़े का दुपट्टा है, लेकिन दुपट्टे की लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। ये देखो बिल्कुल साड़ी के जैसा दुपट्टा है, और देखो इसकी चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा, और प्रिंट हो रखा है गोल्डन कलर का। अच्छा लग रहा है दुपट्टा देखने में, सिर विर पे ऐसे डालने में काफ़ी अच्छा लगेगा। तो सूट अच्छा लगा मुझे, ये प्रिंट भले ही प्लेन हो लेकिन मुझे अच्छा लगा ये सूट। तो इसका प्राइस भी देख लेते हैं, फिर इसको पहन कर देखेंगे। इसका प्राइस है 524 रुपीज़। इसको पहन कर देख लेते कि पहनने के बाद कैसा लगेगा। तो ये आया है इस वाले कुर्ता सेट का लुक, काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसे पिक्चर में दिख रहा था वैसे ही आया है, लुक वाइज भी बहुत अच्छा लग रहा है। पहनने के बाद बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये वाला कॉटन है ना, ये थोड़ा सा मोटा वाला कॉटन है, जो कि स्टार्च निकलता है ना जिस कॉटन में से, ये वो वाला कॉटन है। नेक कुछ ऐसे आया है, प्लेन ही है पूरा सूट, कपड़ा वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है। चुन्नी भी इसकी मोटी है, लेकिन ये कॉटन की नहीं है, ये दूसरा कपड़ा है। चुन्नी काफ़ी बड़ी है, ये देखो बहुत बड़ी है चुन्नी, कंफर्टेबल भी बहुत है। पैंट की लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब मुझे यहाँ से थोड़ा सा गैदर करके पहनना पड़ा तो उस वजह से, बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये इसका फ्रंट है, ये इसका बैक है, और मेरे हिसाब से ये वाला कुर्ता सेट परफेक्ट है। सब कुछ फिटिंग वगैरह, इसकी सिलाई वगैरह, प्रिंट, कपड़ा, स्टिचिंग, एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस। अगर आपको चाहिए हो तो ले सकते हो, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा है। तो हमारा जो अगला कुर्ता सेट है ये पिक्चर में कुछ ऐसा लग रहा है, क्वालिटी कलर वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे हैं। अब देखते हैं कि आया कैसे। इसमें ना शायद दुपट्टा नहीं है, हाँ इसमें दुपट्टा नहीं है, लेकिन कलर इसका बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये है कपड़े क्वालिटी, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा खास नहीं लगी, बेसिक ही लगी। ये देखो कुछ ऐसा है, पिक्चर देख लेती हूँ एक बार। नहीं भाई, पिक्चर से तो एकदम ही अलग आया है, पिक्चर में कुछ अलग ही दिख रहा था, बट उसके जैसे मैच करने की कोशिश ज़रूर की गई है। स्लीव्स कुछ इतनी ज़्यादा लंबी है, पता नहीं कहाँ ही जाएंगी। और ये है स्मॉल साइज़, तो स्मॉल साइज़ के हिसाब से मुझे छोटा लग रहा है, मुझे शायद ही बने, ठीक है। और ये एम्ब्रॉयडरी की डिज़ाइन वगैरह काफ़ी अच्छी है इसमें, और इसमें ना सीक्वेंस भी लगा हुआ है। बाकी ये देखो कपड़े की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बेसिक ही है। और ये है कुछ इसका पूरा लुक, कुर्ती मुझे बहुत ज़्यादा छोटी लग रही है स्मॉल के हिसाब से। ये इसका बैक है, साथ में इसमें पैंट है, दुपट्टा नहीं है, और पैंट भी सेम ही क्वालिटी का है जैसे कुर्ती थी। और इसकी इलास्टिक भी थोड़ी सी टाइट मुझे लग रही है, और इसमें भी नीचे की तरफ डिज़ाइन है, ठीक है। तो अब मैं इसको पहन कर देखती हूँ कि पहनने के बाद कैसा लगेगा। उससे पहले प्राइस बता देती हूँ, 534 रुपीज़ है इसका प्राइस। मैंने इसको ट्राई किया काफ़ी, बट ये मुझे बिल्कुल भी नहीं बना कि मैं आपको पहन कर दिखा पाऊँ, क्योंकि ना इसके देखो चौड़ाई बहुत कम है, तो ये मुझे फंसा भी नहीं, तो इसलिए मैं इसको पहन कर नहीं दिखा सकती। बाकी इसका साइज़ का इशू है, और एग्जैक्ट वैसा नहीं आया जैसे पिक्चर में दिख रहा था, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप ये वाला कुर्ता सेट लें, क्योंकि ये साइज़ में बहुत ज़्यादा और स्लीव्स में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। और पैंट की इलास्टिक थोड़ी सी इसकी चुभ रही है, ज़्यादा नहीं, पैंट ही बन पाया था मुझे, बाकी ये कुर्ता तो मुझे कैसे ही नहीं गया, ठीक है। तो ये है।
तो ये मत लेना ये वाला कुर्ता सेट। तो ये थी आज की हमारी मीशो कुर्ता सेट हॉल वीडियो, जो कि मीशो के कुर्ता सेट में बहुत टाइम बाद लेकर आई हूँ। मैंने कुर्ता सेट वैसे जैसे अनारकली और ये सब तो लाए हैं, बट इस तरीके के फुल कुर्ता सेट बहुत टाइम बाद लाई हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।